चलिए बात करने वाले हैं आज की पीछे की तरफ से आपको कैसे तैरना है। मान लीजिए आप आगे की तरफ से तैरना सीख गए लेकिन पीछे की तरफ से नहीं तैर पाए हैं, तो क्या करना है और कैसे करना है, चलिए आज आपको वो बताते हैं। सबसे पहले पीछे की तरफ से आपको तैरने के लिए हाथ किस प्रकार चलाना होगा, पैर किस प्रकार चलाना होगा, वो आज बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको हाथ देखना है, हाथ किस प्रकार चला रहे हैं, देखिए इसी प्रकार से आपको हाथ चलाना है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। आपने देखा हम किस प्रकार से हाथ पीछे की तरफ से चला रहे थे, उसी प्रकार से आपको हाथ चलाना है। हाथ चलाने आ गया होगा, चलिए एक बार और ध्यानपूर्वक देखिएगा, हाथ को ऐसा रखना है और इसी प्रकार से आपको हाथ चलाना है। बात कर लेते हैं कि आपको पीछे तरफ से तैरने के लिए पैर कैसे चलाना है, तो पैर पहले देख लीजिए, हाथ हमने देख चुका, आप पैर दिखाना है। सबसे पहले पैर इस प्रकार चलाना है, जिस प्रकार से साइकिल चलाते हैं उसी प्रकार चलाना है, बट उल्टा चलाना है। देख सकते हैं किस प्रकार से हम पैर चला रहे हैं, इसी प्रकार से आपको पैर चलाना है। पैर और हाथ जब दोनों एक साथ चलाने लगेगा तो आपको अच्छे तरीके से पीछे की तरफ से तैरना आ जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि पैर हाथ दोनों एक साथ कैसे चलाना है। पैर पे ध्यान दीजिएगा, हाथ आपने देख लिया ऑलरेडी और पैर पे ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से पैर चलाना है, आपने देखा हम किस प्रकार से पैर चला रहे थे, फिर से पुनः देखिए कि किस प्रकार से पैर चलाना। जब तक आपको पैर चलाने नहीं आएगा पीछे की तरफ से और हाथ चलाने नहीं आएगा, आप नहीं तैर पाएगा, और क्या क्या समस्या होता है तैरने समय पीछे की तरफ से वो भी बताएंगे। पैर इसी प्रकार चलाना, देखिए इसी प्रकार से आपको पैर चलाना है, आपने देख लिया। अब चलिए हम पैर और हाथ दोनों आपको क्लियरली दिखाएंगे कि किस प्रकार चलाना है और कैसे तैरना है पीछे की तरफ से। इसी प्रकार से आपको पैर और हाथ दोनों चलाना है, और हाथ दोनों चलाने आ जाए तो समस्या क्या होता है, या पीछे की तरफ से तैर रहे हैं और पानी छलक रहा है, तो नाक में पानी घुसता है, मुंह में पानी घुसता है, कान में पानी घुसता है, तो मुंह में पानी घुसता है तो कोई समस्या नहीं होता है, कान में पानी घुसता है तो हल्का फुल्का समस्या होता है, लेकिन जब नाक में पानी घुसता है तो ऑटोमेटिक अचानक लहरने लगता है, उससे कैसे बचता है, तो जितना अभ्यास कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना देर तक तैरिएगा, अब धीरे 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 नाक में पानी घुसना बंद हो जाएगा। शुरुआती तौर पर एक बार दो बार घुसे तो उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि सीख रहे हैं, सीखने समय छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। अब दिखाते हैं आपको क्लियरली रूप से तैर के पीछे की तरफ से कैसे तैरना है। हाथ देखिएगा किस प्रकार चला रहे हैं, पैर किस प्रकार चला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि 5 से 6 मिनट में आपको पीछे की तरफ से तैरना सिखा दिया, लेकिन ये 5 से 6 मिनट का ये खेल नहीं है, आपको कम से कम 3 से 4 दिन सीधा जब तैरने आ जाएगा तो उल्टा तैरने के लिए 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी सीख पाइएगा, 5 से 6 मिनट का खेल नहीं है। चलिए दिखाते हैं आपको,
आपने देखा किस प्रकार से हम पैर और हाथ दोनों चला रहे थे। नाक मुंह में पानी मेरा भी कभी कभी घुस जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, घुसते रहता है, लेकिन फिर आपको बाहर निकालना। धन्यवाद।